हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ टेम्परेचर इंटरचेंज ऑफ टेम्परेचर। ये जो टॉपिक है ये अपने बुक में इसकी कोई ज़्यादा डिटेल नहीं दी हुई है, बट यहाँ से कुछ क्वेश्चन पुट होते हैं, कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर से यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, टेम्परेचर जो है अपने लास्ट लेक्चर के अंदर कुछ यूनिट स्टडी की थी, SI यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट। तो वो जो SI यूनिट थी उसमें टेम्परेचर को अपने केल्विन, उसकी यूनिट क्या थी, केल्विन। बट टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए अपने कुछ और यूनिट भी स्टडी करते हैं, और यूनिट वो कौन कौन सी होती है, जैसे एग्जांपल डिग्री सेल्सियस। क्या होता है डिग्री सेल्सियस, डिग्री एफ, एफ का मतलब फारेनहाइट, एफ को क्या बोलते हैं, फारेनहाइट। एक और होता है टेम्परेचर की यूनिट और वो होती है आर, आर मतलब रूमर। क्या होती है, रूमर। तो देखो ऐसा यूनिट है केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट और रूमर। ये जो है ना, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, रूमर आपको बुक में, अपनी बुक के अंदर नहीं है। अपने बुक में केल्विन मिल सकता है, डिग्री सेल्सियस मिल सकता है, फारेनहाइट मिल सकता है, केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट। क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, इंटरनेशनल यूनिट तो है सिर्फ केल्विन, कौन सी यूनिट है, केल्विन। बट अपने, अगर अपने बात करें इंडिया के अंदर, तो अपने ज़्यादा यूज कर कौन सी करते हैं, डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन पुट होते हैं एग्ज़ाम के अंदर, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप 11th का हो, चाहे आगे कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, ऐसे एग्ज़ाम जिसके अंदर अगर जनरल साइंस भी आती है ना, मतलब अगर जनरल साइंस के कुछ टॉपिक आते हैं और कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, तो उसके अंदर आपको ये जो क्वेश्चन है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो इसके लिए मैं आपको एक पहले एक एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल लेते हैं अपने वाटर का, किसका एग्जांपल लेते हैं, वाटर का। उसका फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करते हैं, क्या फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। और ये फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये अपने सेकंड लास्ट लेक्चर के अंदर अपने इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर वाटर को डिग्री सेल्सियस में अगर अपने मेज़र करें फ्रीजिंग पॉइंट, आपको पता है कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब वाटर का टेम्परेचर, वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो वो फ्रीज हो जाता है, तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करता हूँ, ये होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं तब वाटर जो है ना वो वेपर फॉर्म में आ जाता है, कौन सी अवस्था में आ जाता है, वेपर फॉर्म में। अगर केल्विन में बात करें, केल्विन में जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 273 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना आप, यहाँ पे मैंने डिग्री डिनोट किया, यहाँ पे डिग्री डिनोट किया, तो जो केल्विन होता है उसको डिग्री केल्विन अपने नहीं राइट करते, केल्विन को सिर्फ केल्विन लिखते हैं, रूमर को भी सिर्फ रूमर लिखते हैं, इनके डिग्री अपने यूज नहीं करेंगे। क्लियर। अगर मैं फारेनहाइट में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अगर आपको बताऊँ, वो होता है 32 डिग्री फारेनहाइट एंड इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 212 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है। अगर मैं आपको रूमर में बताऊं, वो होता है 0 रूमर और 80 रूमर। अब देखो ये है क्या, अगर मैं आपको इन सभी को इकट्ठा एक जगह में बताना चाहूँ, तो वो ये है कि वाटर जो है ना वो 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होता है, और अगर मैं केल्विन में बताऊँ तो 273 केल्विन पर फ्रीज होता है, 32 डिग्री फारेनहाइट पर फ्रीज होता है, 0 रूमर पर फ्रीज होता है, ठीक है। ये सभी जो अपने टेम्परेचर के जो डाटा हैं वो इक्वल हैं, वो क्या है, इक्वल। किसके लिए, वाटर के लिए। क्लियर।
अब देखो, अगर मैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करता हूँ, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर क्या होता है, बॉयल होता है, और कौन सी फॉर्म में आ जाता है, वेपर फॉर्म में। 373 केल्विन पर क्या हो जाता है, केल्विन की बात करें तो वो वाटर वेपर फॉर्म में आ जाता है। फारेनहाइट की बात करूँ तो 212 डिग्री फारेनहाइट, और अगर रूमर की बात करूँ तो 80 रूमर। ये इसके बॉइलिंग पॉइंट है वाटर के, और ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि क्या है, इक्वल है। क्लियर। अब यहाँ से अपने एक फॉर्मूला बनाते हैं। अगर आपको ये याद है, आप ये याद करो अच्छे से, तो आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, अपने सिर्फ समझ कर ही क्या करेंगे कि वो जो फॉर्मूला है उसको बना सकते हैं। या तो फॉर्मूला रट लो अच्छे से, और वो जो फॉर्मूला वो इसी से बना है, पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ फिर वो समझाता हूँ कि कैसे बना है। सी माइनस जीरो अपॉन में 100 इज इक्वल टू के माइनस 273 अपॉन में 100 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन में 180 इज इक्वल टू आर माइनस 0 अपॉन में 80। अब देखो, माइनस 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जीरो की जगह हमेशा जीरो ही लिखेंगे अपनी। क्लियर। बट इसको थोड़ा सा समझने के लिए बना कैसे है, तो आप थोड़ा इजी हो जाएगा ये, ठीक है। अगर आपने एक दो वैल्यू किसी फॉर्मूले में एक्स्ट्रा लिखते हैं तो वो बड़ा हो जाता है, बट आप यहाँ पर ये मत सोचना कि ये फॉर्मूला बड़ा हो गया, कि जीरो क्यों लिखा है। अगर कोई वैल्यू है, जैसे यहाँ पर बात करें, मान लो 100 है, 100 में से 0 अगर माइनस करते हैं तो 100 ही रहता है ना, तो ये 0 लिखने का मतलब क्या है वो अभी समझाता हूँ। देखो, ये जो ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है ना, सी सेल्सियस माइनस 0, केल्विन माइनस 273, फारेनहाइट माइनस 32, आर माइनस 0, तो ऊपर वाली जो वैल्यू ना, 273, 32 और 0, ये क्या है, ये है वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट। ये देख लो, 0 सेल्सियस के साथ में क्या लगा है, 0, केल्विन के साथ में माइनस किसको किया, 273 को, फारेनहाइट के साथ में माइनस किया किसको किया, 32 को, और रूमर के साथ में माइनस किसको किया है, 0 को। बट ये जो नीचे वैल्यू है, अब ये कहाँ से आई, ये भी यहीं से आई। देखो, ये है 100 एंड 0 का डिफरेंस। अगर सेल्सियस में बात करें, 100 एंड 0 का डिफरेंस चेक करें तो कितना आता है, 100। 373 माइनस 273 करें तब कितना आता है, 100। 212 माइनस 32 को माइनस करें तब कितना आता है, 180। और 80 माइनस 0 करते हैं तब भी कितना आता है, 80 आता है। तो ये जो 0 यहाँ पे, ये 0 यहाँ, इसको आप हटा दो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप इसको रखे यहाँ पे, इसको साथ रखते हो, तब आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा अगर आपको ये बातें पता हैं तो। क्लियर। अब देखो, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन कुछ अपने डिस्कस करते हैं, कैलकुलेशन। इसमें थोड़ा कोई क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आते, कैलकुलेशन ही करनी होती है। क्या करनी होती है, कैलकुलेशन। अब वो कैलकुलेशन क्या है, देखो, अपनों ने चेंज करना है, इंटरचेंज है ये टेम्परेचर का। पहले क्वेश्चन अपने करते हैं, इंटरचेंज है, 50 डिग्री सेल्सियस को चेंज करना है अपनों ने केल्विन में और फारेनहाइट में। 50 डिग्री सेल्सियस को किस में चेंज करना है, केल्विन में, और किस में चेंज करना है, फारेनहाइट में। तो देखो, यहाँ पर अपने दो क्वेश्चन है, एक ही नहीं है, दो क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर मैं 50 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करता हूँ तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन वाला फॉर्मूला ही लिखेंगे अपने, सिर्फ किसका सेल्सियस और केल्विन वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे, और जिसको कैलकुलेट करना होता है उसको पहले लिख लेंगे, थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। किसको कैलकुलेट करना अपने को, केल्विन को, तो केल्विन को पहले लिख लेंगे, केल्विन वाला फॉर्मूला सी माइनस जीरो, ये माइनस जीरो मत लिखो भले, अब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो माइनस जीरो मत लिखो, उसको वहाँ पढ़ा रहे हैं दो समझने के लिए, अपॉन में 100। अब सी की वैल्यू कितनी दी हुई है अपने को पता है, 50, तो अब इसको कैलकुलेट कर दो, के माइनस 273, सॉरी यहाँ पे आता 100 था, थोड़ा करेक्शन कर लो, यहाँ पे 100 है ये, ठीक है, गलत लिख दिया, अपॉन में 100 क्या आ गया, 50 अपॉन में 100, ठीक है। मैं इसको इधर लेके जाऊँ, के माइनस 273 इसको इधर लेके जाएं, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 50 इंटू 100 अपॉन में
हंड्रेड, हंड्रेड से हंड्रेड कैंसिल हो गया, के इज इक्वल टू क्या आ गया 50, ये इधर आएगा, किस में आ जाएगा प्लस में 273 और कितना हो गया 3, 2 और 3 क्या हो गया केल्विन। तो देखो ये क्या हुआ, 50 डिग्री सेल्सियस जो है ना, 50 डिग्री सेल्सियस वो किसके इक्वल होता है 323 केल्विन के। क्लियर। अगर अपने को एक और डिनोट करना है यहाँ पे, क्या एक और कैलकुलेशन करनी है किसके फारेनहाइट को भी कैलकुलेट करना है। तो देखो अब अपने को जो क्वेश्चन है उसमें वैल्यू किसकी दी हुई है सेल्सियस की और किसको कैलकुलेट करना है फारेनहाइट को, तो अपने यहाँ से सिर्फ फारेनहाइट और सेल्सियस को ही क्या करेंगे डिनोट करेंगे। क्लियर। और जिसको जिसको अपने कैलकुलेट करना होता है उसको अपने पहले लिख लेते हैं और जो दिया हुआ होता है उसको अपने बाद में लिख लेते हैं। ठीक है, सेल्सियस की वैल्यू दी हुई अपने पास 50 अपॉन में 50 दी हुई, सॉरी सेल्सियस वैल्यू कितनी दी हुई है 50। ठीक है, तो देखो अब इसको कैलकुलेट करते हैं अपने एफ माइनस 32 अपॉन में 180, इसको 1/2 लिख ले, कल ये कट गया 1/2। अब इसको क्या करेंगे एफ माइनस 32 इज इक्वल टू 180 अपॉन में 2 और इसका आंसर आ गया 90। अब अपने क्या करें, ये 90 आ गया, ये प्लस माइनस है उधर लेके जाएंगे, तो एफ इक्वल टू 90 प्लस 32 इज इक्वल टू 122 डिग्री फारेनहाइट। तो देखो अपने को एक वैल्यू मिली क्या 50 डिग्री सेल्सियस, वो 323 केल्विन के इक्वल होता है और वो 122 डिग्री फारेनहाइट के क्या होता है इक्वल होता है। तो आपको कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ऐसे क्या कर सकते हो कैलकुलेट कर सकते हो। एक सिंपल सा छोटा सा टॉपिक था जो कि इंटरचेंज ऑफ टेम्परेचर है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।